फिर मैं कक्षा 6 गणित का अध्याय 11 से प्रश्नावली 11.4 जिसमें आप लोग पढ़ेंगे व्यवहारिक रूप से व्यंजकों पर का प्रयोग, यानी अपने दैनिक जीवन में। इसके पहले आप लोगों ने बहुत से एक्स वाई जेड में संबंध पढ़े थे, उन संबंधों को देखते हुए उन्हीं संबंधों पर आधारित अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक है, राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक। राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक, इसी को बीजगणित की भाषा में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब हमें लिखने के लिए देखिए किसका अधिक है, राम का अधिक है। जिसका कम रहता उसी को मान लेते हैं, जिसका कम रहेगा उसी को मान लेते हैं। तो मानेंगे क्या? माना श्याम के पास 1 रुपये, 1 रुपये कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 25 तो भी हो, तो राम के पास क्या हो जाएंगे? 1 रुपया है उतना तो है ही, लेकिन उसके बाद कितना बढ़ जाएगा? 10 रुपये। तो इसमें 10 जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्या दूलभ, यानी राम के पास 10 रुपये। इसी तरह उम्र से संबंधित, अन्य किसी चीजों से संबंधित आप कह सकते हैं। जैसे कह रहे कि सरला का गणित में बुद्धिमान, गणित के टेबल जो जो भी चीज हल करने के लिए दिया जाता है वह उमा से 5 गुना अधिक, यानी जो सवाल गणित का उमा 10 मिनट में हल करती है उमा वह 2 ही मिनट। इसी तरह आपके बहुत से क्वेश्चन उम्र वाले में चले, यह कारण कि श्याम के पिता की उम्र उसके उम्र से 5 गुनी। देखिए यहां सब पढ़े ध्यान से, श्याम के पिता की उम्र उसके उम्र से 5 गुनी। देखिए उम्र जब भी माना जाता है, उम्र का सवाल जब भी देते हैं ध्यान देंगे हमेशा वर्तमान, यानी इस समय का उसी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और उसी पर हम क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कहा गया श्याम के पिता की उम्र उसके उम्र से 5 गुनी, तो मान लेंगे श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? श्याम की वर्तमान उम्र एक्स पास, क्या एक्स पास, तो उसके पिता की उम्र क्या होगी? इसके उम्र की 5 गुनी, इतना बढ़ सकता है 5 वर्ष। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ जाता है, 5 वर्ष पहले क्या उम्र थी, 5 वर्ष बाद क्या उम्र होगी? पहले कहा गया 5 वर्ष पहले, यानी आज से पहले जो बीत चुका, तो जब पहले कहा जाएगा तो वर्तमान उम्र में से घट जाएगा, यानी जो वर्तमान उम्र हमें एक्स माना है जब पहले कहेंगे, पहले कहेंगे तब एक्स माइनस वाई, पहले कहेंगे क्या देगा एक्स माइनस वाई, यही कहें 5 वर्ष बाद जब बाद कहेंगे तब क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाद, आज से 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बीते रहता ना, 5 क्या हो धीरे धीरे चला जाए,
इस तरह इन शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए हम बीजगणित में इनका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें रहती है, मान लीजिए इस समय वर्तमान में आप सर्वोक सब्जी खरीदते हैं, या कहा जाए आलू की कीमत प्याज की कीमत से दोगुनी, प्याज की कीमत से दोगुनी। तो क्या लिखेंगे, इसका कम है प्याज, कम फिर नहीं, जो कम रहता है उसको अक्सर मानते हैं, माना प्याज की कीमत अक्सर, तो आलू की कीमत क्या है, दूसरी चीज इसी शब्दों में क्या कह रहे हैं, बैगन की कीमत टमाटर की कीमत से 10 रुपए कम है, ये क्या कहा, बैगन की कीमत टमाटर की कीमत से 10 रुपए कम, कम के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कम किसका है, बैगन की टमाटर की, टमाटर का देखिए ठीक है ना, तो टमाटर का मन माना टमाटर की कीमत 100 रुपए, तो बैगन की क्या हो जाएगी, ऐसी को दूसरे रूप में मान लो, यदि बैगन का एक्स मान लेते है तब टमाटर का क्या हो जाता, देखिए समीकरण बदल गया, तब क्या हो जाएगा एक्स धन 10, क्योंकि टमाटर की कीमत अधिक है, बैगन की कीमत टमाटर की कीमत से 10 रुपए कम है, इसका कम है तो यह कम है कम घट जाएगा, अधिक वाले मरेंगे तो अधिक वाले से घट जाएगा, इसी तरह आपको समीकरण बनाने हैं। इन क्वेश्चन में इस चैप्टर में जो भी समीकरण आपको दिए गए हैं, इस नाम 1.4 का क्वेश्चन 1 देखे हैं, क्वेश्चन 1 में पहला भाग दिया है कि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, देखिए उम्र का ले लिया, सरिता की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, अब इसी पर क्वेश्चन दे रहा है, पहला भाग क्या पूछा है, आज से 5 वर्ष बाद क्या होगी, अभी हमने बताया है क्या चीज, बाद के लिए जब बाद करते हैं तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जितना बाद आता उतना अंक कर देते हैं, 5 वर्ष बाद यानी यक्ष धन उत्तर हो गया। दूसरा क्या कारण, 3 वर्ष पहले, पहले की बात आई, 3 वर्ष पहले, जब भी पहले की बात आती है पीछे की उसमें से क्या होता है, घट जाता है, तो दूसरा 3 वर्ष पहले इसमें क्या हो जाता है, इस तरह बनाते रहेंगे, इसी तरह इसमें दिया है सरिता के तीसरे, सरिता के दादी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, तो दादी की आयु क्या होगी, उसके उम्र की 6 गुनी है तो दादी की क्या हो जाएगी, दादी की उम्र जो सरिता की उम्र है 6 गुनी यानी 6 का 6 इसी तरह आप उत्तर करते रहेंगे। दूसरा दिया है एक आयताकार की लंबाई बी पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में देखें यह दिया है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है और चौड़ाई 2 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है, चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बराबर क्या है 20 मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार चौड़ा लंबाई बराबर चौड़ाई के 3 गुने यानी 3 का गुणा से कितना कम है, 3 गुने से 5 अधिक है, 3 गुने से 4 मीटर कम है, 3 गुने से 4 मीटर कम है यानी 4 है, यानी चौड़ाई आपने कितना माना है डी, 3 × b − 4 = 3b। इसी तरह आप बनाते चले जाएंगे, सब समीकरण आपका बनता चला जाएगा। इसी तरह आप देखें अंतिम में एक क्वेश्चन, मी मी मीना दीना लीना पहाड़ की चोटी पे चल रहे हैं। अब देखिए यह कुछ दीवार, एक लड़की आपको मीना मान लीजिए चली है, यस सीढ़ी, यस सीढ़ी चली चली। अब पहला क्वेश्चन इसी में दिया है, क्या बीना मीना से 8 सीढ़ी आगे है, यानी इससे 8 आगे है, क्या होगी बीना कितनी सीढ़ी चढ़ी है, यस धन और लीना 7 सीढ़ी पीछे है, 7 सीढ़ी पीछे है यानी पीछे, यस माइनस 7 और अंतिम कुल सीढ़ियों की संख्या, कुल सीढ़ियों की संख्या यानी मीना द्वारा चढ़े गए सीढ़ियों की संख्या से के 4 गुने से 10 कम, यानी इससे 4 गुना 4 यस 4 यस माइनस 10 यह कुल सीढ़ियों की संख्या। अब लीजिए पांचवा चैप्टर 5 इसी से इसी अध्याय से अब तक आप लोग केवल समीकरण बनाए उसके नियम देखे जोड़े घटाए, अब इसमें समीकरण कहते किसे हैं, समीकरण में होता क्या चीज है, बीजगणित में चर और अचर पद का मकसद क्या होता है, किस रूप से रखते हैं, इसकी चीजें। पहली चीज आप देखें समीकरण, एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है, समीकरण में जो चर राशि होती है उस पे क्या एक प्रतिबंध होता है, वह प्रतिबंध चर के केवल एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, यानी चर का कोई ऐसा मान उसमें रखते हैं जिसके लिए वह संतुष्ट, यानी दोनों तरफ इसमें एक चिन्ह आती है, देखिए इसे बराबर का चिन्ह जिसे समता चिन्ह कहते हैं या बराबर कहते हैं, यही चिन्ह प्रदर्शित करती है इस चिन्ह के बाएं बगल और इस चिन्ह के दाएं बगल हमें क्या चीज मिल रहा है। यदि यह समीकरण देखे दे दिया गया है 2x = 5 = 25 यानी x का कौन सा मान यहां रखते हैं, इसका चर पर एक्स इन है तो इसका क्या मान रखते हैं कि हमें इधर का भी मान और इधर का भी मान रखते हैं, का केवल वही एक मान होगा जो रखने पर दोनों को संतुष्ट करेगा, सभी मान नहीं, एक्स का एक रखते हैं तो क्या होगा, एक्स का एक का दोनों जुड़ा करें दोनों से 5 घटाएंगे 25 मिलेगा नहीं, एक्स का कौन सा मान है 15 रखते हैं तो 15 × 30 और 30 में से 5 घटा 25 यानी x बराबर कितना हो गया 15 यानी x का मान यहाँ 15 रखते हैं x बराबर 15 तो दोनों तरफ का आपका मान आ जाएगा 2 × 15 = 5 = 25 यानी 30 × 5 = 25 देखिए दोनों तरफ वही चीज संतुष्ट यहाँ करता है। जैसे इसी चीज को देखिए दूसरे रूप में लिखकर दिखाया गया, समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का एक हल कहलाता है, यानी जैसे इसमें x का मान हमने 15 रखा जो दोनों तरफ का मान बराबर दिखाया तो यह समीकरण का हल कहलाएगा। उसी तरह जैसे एक उदाहरण ध्यान रखें 2n = 10 यदि n बराबर 2 रख दें क्या 10 आ जाएगा, 2 × 2 = 10 यानी 4 × 10 क्या सही है, सही नहीं है। दूसरा एक और रख दें 10 = 6 रखते हैं क्या होगा, 2 × 6 = 10 यानी 6 × 12
बारह ये बराबर नहीं है, बराबर है नहीं सीधी से हम क्या मान रखते हैं यदि n बराबर पांच ही एक ऐसा मान है जो दोनों तरफ के मान को बराबर दिखाएगा। देखिए दस जो संख्या चिन्ह बराबर के दोनों साइड बराबर आते हैं वही चिन्ह। अब इन्हीं की तरह आपको जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करने के लिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि समीकरण को किस बताइए कि कौन सा कथन चर के लिए सत्य है। इसमें कौन सा कथन जो चर यानी बीजगणितीय राशि दी गई है उसके लिए सही है। बहुत से मैं केवल तीन चार दिखाया हूं, इसके बाद बाकी तो आपको करेंगे। पहला क्या है यक्ष बराबर यक्ष धन सत्रह, सत्रह बराबर यक्ष धन सत्रह। अब यक्ष का कौन सा मान इसमें रखे जो इसको संतुष्ट करता हो यानी एक्स यह चर राशि के रूप में है, इसमें इसका उपयोग हो रहा है ठीक और सदुपयोग भी होगा। दूसरा दिया है टी माइनस सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, लेकिन t का कुछ ऐसा भी मान हो सकता है जो 5 से छोटा होगा, इसलिए चर के यहाँ आपको संतुष्ट के रूप में संपूर्ण संतुष्ट के रूप में नहीं होगा, क्योंकि t का मान यदि 0 रख दें तो ऋण 7 होगा जो 5 से छोटा है, x इक्वल टू 2 रख दें जो ऋण 5 आएगा 5 से छोटा है, x इक्वल टू ऋण 7 केवल 7 रख दें 0 आ जाएगा जो 5 से यानी x के वही मान t के वही मान संतुष्ट करेंगे जो इसमें से इसे 7 को घटाने में हमेशा 5 से बड़े होते हैं, यानी 12 से ऊपर ही जो क्वेश्चन होंगे 13 14 15 t के वही मान इसके लिए संतुष्ट होंगे, बाकी नीचे के मान संतुष्ट नहीं होंगे इसलिए यस। दूसरा इसमें देख लें इसमें कहीं भी गलती राशि आएगी नहीं, ये सवाल गलती राशि इसके लिए अभी नहीं। अब इसमें देखें 5 गुणे 4 ऋण 8 बराबर 2x, इसे गुणा करके लिख लें 20 ऋण 8 बराबर 2x क्या आ गया 12 बराबर 2x, यानी यह अभिव्यक्ति है x का कोई ना कोई निश्चित मान है जो इसको संतुष्ट करेगा। इस तरह करते हैं दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कुछ समीकरण दिए गए इन समीकरणों का एक y का मान यानी इधर दिया गया है मान संतुष्ट करता है कि नहीं करता है यही आपको यानी y का यह मान है इसको संतुष्ट करना चाहिए बराबर होना चाहिए दोनों पक्ष बाएं बगल और दाएं दोनों पक्ष क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए यही चीज बताना है। तो देखिए 10 है y बराबर 80 यानी y बराबर 10 y के साथ 10 रखते हैं 10 से 10 का गुणा होगा 100 होगा यह संतुष्ट नहीं करता क्या लिख देंगे नहीं करता y 10 y धन बराबर 80 y बराबर क्या संतुष्ट करता है क्या लिख देंगे या 10 वाई बराबर सी बराबर यानी वाई बराबर 5 या नहीं करता। इसी तरह 4 एल बराबर 20 एल बराबर 20 रखते हैं 20 रखते हैं 10 सी है यह भी संतुष्ट है। केवल यही आपको मिलाना है इधर का जो मान लिया है इस बीजगणितीय राशि में रखने पर वह संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। इसी तरह आपके कुछ समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं उसमें आपको हल लगते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला मैं दिखा ये भाग यह दिया है कि फाइव के नंबर बराबर 7 फाइव के नंबर बराबर 7 आपको कोष्ठक के कौन कौन से मान दिए गए 10 5 12 और 15 10 5 12 और 15 इसमें देखिए कौन संतुष्ट करता है ये बताना है। पहले 10 रखने पर एम बराबर 10 रखने पर 5 गुणे 10 बराबर 7 यानी 50 गुना बराबर नहीं हो यह संतुष्ट नहीं कहेंगे लिखेंगे संतुष्ट नहीं करता है संतुष्ट नहीं करता है। इसी तरह 5 भी लिखेंगे तो 12 बार लिखेंगे 5 या बराबर 12 तो 5 गुणे 12 बराबर 7 12 बचे 7 7 बराबर 7 यह लिखेंगे संतुष्ट। इसी तरह आप सभी क्वेश्चनों को इसी तरह मिलाकर आप करते जाएंगे। चार में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में m प्लस 10 बराबर 16 किन किन मानों के लिए होगा सही, कब m का कौन सा मान रखें जो सही होगा, एक रखें तो क्या होगा, दो रखें तो क्या होगा, जैसे दिया है चौथा m प्लस 10 का मान क्या क्या होगा यदि m बराबर 1 रख रहे हैं m बराबर 2 रख रहे हैं m बराबर 3 रख रहे हैं।
इसे रखते चलेंगे बराबर एक रखेंगे क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज एक धन दस बराबर क्या हो गया ग्यारह दो रखते क्या हो जाएगा दो धन दस बराबर क्या हो गया इसी तरह आप भरते चले जाएंगे आपका मान मिलेगा बाकी सारे क्वेश्चन हल करेंगे अब अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में